हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं मोदू नॉवेल एक्सप्लेनेशन का पार्ट 31। दंगचैन अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए वो उसे अच्छी डाउरी देकर कॉम्पेंसेट करना चाहता था। जो ट्रक्स हायर करते हैं वो क्विक सर्विस चाहते हैं, ड्राइवर लोग आराम से टॉयलेट भी नहीं जा पाते हैं। 10-12 घंटे लगातार ट्रक चलाना बहुत नॉर्मल है। डोंगचैन को रिसेंटली कुछ एलर्जी हुआ था, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। उसके बाद से वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। लुओवेंजो ज़ियाओ हायांग का रिपोर्ट सुनता है, पर वो कोई कमेंट नहीं करता। उसे डर था कि वो हॉट ब्लडेड पुलिसमैन कहीं दोबारा इन्वेस्टिगेट करने ना चला जाए। वो बस उसे घर जाने के लिए बोलता है। लुओवेंजो को लगा कि ये हादसा शायद एक एक्सीडेंट ही है, और जैसा कि फेदू ने कहा, जो हुआजिन शायद अपना इनोसेंस प्रूव करना चाहता है। फेदू ने यह भी कहा, फेदू एक हरामखोर है। उसके बारे में सोचकर लुओवेंजो के दिल में दर्द होने लगा। वो कुछ खाना गर्म करके खाने का सोचता है। जब वो हाथ धो रहा था तब लुओ यिगुओ आ गया। शायद उसकी नींद पूरी हो गई थी। अपनी बॉडी स्ट्रेच करके, बॉडी को हिलाकर वो प्यार से म्याऊं करता है। फिर वो अपनी बॉडी को लुओवेंजो के पैंट के साथ घिसने लगा। लुओ यिगुओ बहुत रेयरली ऐसा प्यार दिखाता है। लुओवेंजो हाथ धो चुका था, फिर भी वो उसको स्क्रैच करने के लिए झुक गया। लुओवेंजो का हाथ देखकर वो अटैक करने के लिए रेडी हो गया, पर लुओवेंजो उसके सारे ट्रिक से वाकिफ था। उसने अपना हाथ हटा लिया और लुओ यिगुओ को पकड़ लिया। तुम लोग करना क्या चाहते हो, लुओवेंजो अपने कैट के चेहरे को पकड़कर बोलता है। डैड तुम्हें अच्छा खाना पीना देता है, अपनी पूरी ज़िंदगी के पेशेंस इकट्ठा करके तुम लोगों की केयर करता है, पर तुम दोनों सिर्फ षड्यंत्र करते रहते हो। तुम लोगों के पास विवेक नहीं है। लुओ यिगुओ प्रोटेस्ट करता है, पर डांट खाकर शांत हो जाता है। लुओवेंजो उसे खाना देता है तो उन दोनों में फिर से शांति स्थापित हो जाती है। वो फ्लोर पर बैठकर अपना दाहिना हाथ देखता है, जिसको फेदू ने हरास किया था। उसके हाफ स्माइलिंग फेस को याद करके लुओवेंजो के दिल में कुछ होता है, और उसके चलते वो इरिटेट हो जाता है। वो और ज़्यादा इरिटेट तब हो जाता है जब सुबह बहुत मुश्किल से एक अच्छे सपने से उठकर वो रियलाइज़ करता है कि उसकी बॉडी का एक पार्ट गलत चल रहा है। अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोकर वो सोचता है, अगर उस फेदू ने मुझे फिर से टीज़ किया तो मैं और पोलाइट नहीं रहूँगा। जेंटल बने रहने का क्या फ़ायदा अगर आखिरकार ऐसा फ्रस्ट्रेशन मिलता हो। अचानक लुओ यिगुओ जंप करके बाथरूम में आ जाता है। लुओवेंजो रियलाइज़ करता है कि उसके फ़ोन में रिंग हो रहा है। जो हुआजिन की फ़्लाइट 2 बजे के थोड़ी देर बाद लैंड हुई थी। उसने मैसेज कर दिया था कि उसको लेने के लिए किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो टैक्सी से घर चला जाएगा। उसे घर पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लगने चाहिए थे, पर वो अभी भी घर नहीं पहुंचा है। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। लुओवेंजो बहुत सारी पुलिस कार को पार करते करते बोलता है, वो जो फैमिली के बड़े बेटे हैं ना, उनके पास प्राइवेट कार और बॉडीगार्ड नहीं है, वो टैक्सी से क्यों आ रहे थे। जैसे उसने सवाल किया, फेदू की आवाज़ आई, वो ऐसे ही है, वो बहुत लो की और मॉडेस्ट है, वो रात को किसी की नींद ख़राब नहीं करना चाहते थे। लुओवेंजो ने आँखें उठाकर देखा, फेदू अच्छे से तैयार होकर जो रेसिडेंट के दरवाजे पर खड़ा है। बात ख़त्म करके उसने लुओवेंजो की तरफ नॉड किया, कैप्टन लुओ। उसकी ग्रीटिंग और बातों से पता ही नहीं चल रहा था कि पिछली रात उन दोनों में कुछ गड़बड़ हुई थी। जो हुआ इस सीन का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो रोते हुए बोल रहा था, मैंने कहा था कि पापा का मर्डर हुआ है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब भैया भी मिसिंग है, हम सबके मर जाने पर कोई बहुत खुश होगा ना, और ये पुलिस तो किसी काम की ही नहीं है। लुओवेंजो ने फ्रॉन किया। उसके पास खड़े फेदू को देखकर जो हुआ इस सीन ने कहा, मास्टर फेई, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा हूँ। भैया को कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगा, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरी मेडिसिन कहाँ है। एक हाउसकीपर जल्दी से आकर एक विटामिन का बोतल देता है, तो फेदू उसे वो पिल्स लेने में मदद करता है। लुओवेंजो की आंखें फड़फड़ाने लगी। फेदू अपने स्टूडेंट्स वाले लुक से निकलकर एक फॉर्मल ड्रेस पहनकर आया है। उसने चश्मा भी पहन लिया था। उसकी शर्ट देखकर पता चल रहा था कि उसने उसे बहुत देर से पहना हुआ है। फ़ोन पर बहुत टाइप की खबर आ रही थी। जो क्लाइन से जुड़े हुए छोटी कंपनियों का बुरा हाल था। सब लोग उनके शेयर को शॉर्ट सेल कर रहे हैं। फेदू को देखकर पता चल रहा था कि वो कहाँ गया था, पर अब वो एक अच्छा इंसान बनकर जो हुआ सीन को तसल्ली दे रहा है। लुओवेंजो कुछ ऑर्डर्स देकर जो हुआ सीन के पास जाता है। आपके भैया के फ्लाइट नंबर किसको पता था। जो हुआ सीन ने कहा, मैंने उनको पापा के डेथ के बारे में बताया था। मुझे नहीं पता है किस किस को पता है, पर कंपनी के असिस्टेंट लोग ही उनके प्लेन टिकट्स बनाते हैं। तभी एक वेल ड्रेस्ड आदमी हड़बड़ी में अंदर आता है। हुआसिन, हुआसिन, ये क्या हो रहा है, इतनी पुलिस क्यों है। जो हुआसिन फेदू के बाहों से उठ खड़ा होता है। खुद आगे,
मेरे भैया मिसिंग है। फेई दू खड़ा होकर लुओ वेंजो को बोलता है, ये हुज एंड यू है, ये उन लोगों में से है जिनके पास जो क्लैन के हेडक्वार्टर का पावर है। वो जो हुआ जिनका क्लासमेट है। लुओ वेंजो जिया हाइयांग को जो जुनमाओ के एक्सीडेंट के बारे में और डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। जियाओ हाइयांग तुरंत उस काम के लिए चल देता है। ताओरन का कॉल आता है, हमें वो टैक्सी मिल गई है। टैक्सी के ओरिजिनल ड्राइवर को बेहोश करके रोड के साइड फेंक दिया गया था। होश आने के बाद वो खुद हॉस्पिटल गया और लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया। हमें वो टैक्सी भी मिल गई है। उस टाइम एक टेक्नीशियन भी सर उठाता है, कैप्टन लुओ हमने जो हुआ जिन के फ़ोन को लोकेट कर लिया है। फ़ोन के उस साइड से ताओरन ने कहा, बैशा रिवर के पास। टेक्नीशियन ने कहा, बैसा वाटर्स के पास। जो हुआ सिंह की आंखें उलट गई और वो गिर गया। होश आने पर उसने कहा, हूद आगे, क्या आपको लगता है भैया को उन लोगों ने पानी में फेंक दिया है? मैं उस यांग वो को मार डालूंगा। और वो जेंग काइफेंग कहाँ गया? हू जेन वो उसे ये सब बोलने से रोकना चाहता था पर रोक नहीं पाया। उसने कवर करने के लिए कहा, हुआ सिंह बच्चा है और इन सब इंसिडेंट की वजह से उसका दिमाग ठीक नहीं है, आप लोग उसके बातों पर ध्यान मत दीजिए। जो हुआ सिंह की आंखें लाल हो गई थी। वो बोल उठता है, मैं ठीक कह रहा हूँ, ये उसी का काम है। वो बहुत दिनों से ये सब प्लान कर रहा था और अंकल जेंग भी उसके साइड में है। हू जेन वो आवाज़ ऊँची करता है, हुआ सिंह। लुओ वेंजो पुलिस की टीम बाइशा रिवर भेजता है और हू जेन यू को कोऑपरेट करने के लिए बोलता है। हू जेन यू बताता है कि कम उम्र में जेंग काइफेंग जो जुनमाओ के राइट हैंड थे और वो अभी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट यांग बो जो जुनमाओ के बोर्ड सेक्रेटरी है, वो बहुत ज़्यादा काबिल है इसलिए उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी है। शायद इसीलिए एक र्यूमर फैल गई और हुआई सिंह ने वही सुन लिया। जो जुनमाओ भी हुआई सिंह के सामने उसकी तारीफ करते रहते हैं। ये दोनों ही विदेश में थे और शायद इस टाइम वापस आ रहे हैं। उन दोनों के फ्लाइट नंबर्स देकर हू जेन्यू ने उनके सिक्योरिटी के लिए रिक्वेस्ट किया। उसी टाइम लैंग चियाओ लुओ वेंजो को अपना फ़ोन दिखाती है। लुओ वेंजो बाहर जाकर उसका फ़ोन देखता है। जो क्लैन के हेयर जो हुआई जिन किडनैप हो गया है, ये न्यूज़ हेडलाइन बन गया था। उसके नीचे किसी चीज़ का लिंक था जिसे डिलीट कर दिया गया है। मैंने ये वीडियो डिलीट करवा दिया है, आप इसे देखिए, लैंग चियाओ ने कहा। वीडियो में एक अनकॉन्शियस आदमी एक चेयर में बंधा हुआ था। वो 30-40 साल का था। वो अच्छे कपड़े पहना हुआ था और उस हाल में भी पता चल रहा था कि वो आदमी डिग्निफाइड है। फेद ने कहा, जो हुआ जिन किडनैपर्स ने पैसे भी नहीं मांगे और ना ही उसको मार दिया। घर वालों को कॉन्टेक्ट ना करके वो इंटरनेट पर वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हैं? जो वीडियो बना रहा था वो बहुत केयरफुल था। बैकग्राउंड पूरा ब्लैक था और जो हुआ जिन को छोड़कर फ्रेम में कुछ और नहीं था। वीडियो को बहुत सारे प्रॉक्सीज की मदद से पोस्ट किया गया था। पोस्ट करने वालों को ट्रेस करना पॉसिबल नहीं था। लैंग चियाओ ने अर्जेंटली उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, पर इंटरनेट पर जो हुआई जिन के किडनैपिंग के बारे में बहुत सारे न्यूज़ थे। फेई दू एक स्टेप पीछे हो गया, कैप्टन लुओ क्या मैं इस इन्वेस्टिगेशन से दूर रहूं? लैंग चियाओ हैरान होकर बोली, हाँ क्या हाँ कर रही हो, वो भी एक सस्पेक्ट है। लैंग चियाओ को फ़ोन वापस करके लुओ वेंजो फेदू की तरफ घूमकर रूडली कहता है, कौन कौन इसमें पार्ट ले सकते हैं और कौन कौन पीछे से मदद कर सकते हैं, उन सब का लिस्ट मुझे दो अभी। जो हुए जिन लो की था और बहुत कम पब्लिक के नज़र में आता था, तो फिर उसकी एक मिनट से भी कम लंबी वीडियो को इतनी ज़्यादा व्यूज़ कैसे मिल गई? कौन इसे प्रमोट कर रहा होगा? एक नज़र में देखने से लगता है कि जो जुनमाओ की डेथ और जो हुए जिन का किडनैपिंग एक साथ जुड़ा हुआ है, पर अच्छे से देखो तो ऐसा नहीं लगता। जिसने जो जुनमाओ का डेथ प्लान किया था वो चाहता था कि ये एक्सीडेंट जैसा लगे। ट्रक ड्राइवर की डेथ के वजह से वो एक एक्सीडेंट ही लग रहा है, पर जिसने जो हुआ जिनको किडनैप किया है वो शो ऑफ कर रहा है। ये दो इंसिडेंट एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। पर इससे किसी का क्या फ़ायदा है? इससे तो उसी को फ़ायदा मिलेगा जो जो क्लैन के शेयर्स से मुनाफा करना चाहेगा, जैसे कि फेदू। ऐसे तो सिटी बुरो सेल के लिए नहीं है, पर फेदू ने एक रात में इतने पैसे कमा लिए हैं जिससे वो दो सिटी बुरो खरीद सकता है। मैं कुछ लोगों का नाम दे सकता हूँ, बोलकर फेदू किसी को ईमेल भेजता है, पर आपको तो पता ही है कि मैं हर मामले में ठीक नहीं हो सकता। एक सस्पेक्ट के तौर पर मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। किडनैपर्स और जो लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं वो अलग ग्रुप के हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है उन लोगों ने पहले से कोई टाई अप ना किया हो। दास कैपिटल में लिखा है कि 100% प्रॉफिट कोई भी ह्यूमन लॉ को तोड़ सकता है, पर मेरा मानना है
कि अगर प्रॉफिट 1000% भी हो तब भी क्या फ़ायदा अगर आप जिंदा ही ना रहो। कैप्टन लुओ, हम इंसान का खून पी सकते हैं पर हम इंसान नहीं खाते हैं। उसके शब्द कोल्ड ब्लडेड और डिसग्रेसफुल थे। लुओ वेंग जो उसकी तरफ कोल्डली देखता है। वो दोनों फिर से पहले जैसे कंडीशन में वापस चले गए थे। अच्छा ठीक है, मैं और अच्छे से बोलता हूँ। फेगो आग में घी डालता है, हम खुलेआम इंसान नहीं खाते हैं। उन दोनों की आग बरसती हुई आंखों को देखकर लैंगची और डर जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी उन दोनों को कैसे शांत करे। पर लुओ वेंजो ही पहले अपनी नज़र हटा लेता है और कामली बोलता है, वीडियो को पोस्ट हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है। ये लोग ये काम पहली बार तो नहीं कर रहे होंगे। तुम्हारा लिस्ट बनने में कितना टाइम लगेगा? तभी फेदू के फ़ोन में एक ईमेल का नोटिफिकेशन आता है। फेदू खुद चेक करे बिना ही अपना फ़ोन लुओ वेंजो को पकड़ा देता है। मेरे असिस्टेंट ने 2-3 नाम दिया होगा, आपको कुछ पता करना हो तो उन लोगों से ही बात कर लेना। फिर उसने लुओ वेंजो की तरफ देखा भी नहीं। वो चलकर जो रेजिडेंस के अंदर चला गया और उसे ऑफर किया गया एक कप चाय लेकर जो हुआई सीन के पास पहुंच गया। लुओ वेंजो मेल को खोलकर देखता है। फेदू का असिस्टेंट बहुत काबिल है। इस शॉर्ट टाइम में उसने ना तो सिर्फ सस्पिशियस ऑपरेटर्स का नाम लिखा है पर साथ में उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इससे पहले वो लोग कौन से केस में इन्वॉल्व थे उसका भी डिटेल दे दिया है। वो लैंगचाओ को वो ईमेल फॉरवर्ड कर देता है और उसे इकोनॉमिक क्राइम ब्रांच से लोग बुलाकर इन लोगों के बारे में डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। इतना सारा काम सुनकर लैंगचाओ परेशान हो जाती है पर लुओ वेंजो कहता है ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। लैंगचाओ के चले जाने के बाद लुओ वेंजो फेदू को देखता है। फेदू हु जेनू और जो हुआइसिन को कुछ बोल रहा था पर लुओ वेंजो को पता था कि फेदू उनके सामने कुछ गलत नहीं बोल देगा। आज तक उसने फेदू के बहुत सारे रूप देख लिए हैं। कभी उसे लगा फेदू एक बहुत खतरनाक इंसान है और कभी उसने देखा फेदू अपनी परवाह ना करके किसी और को बचाने जाता है। कभी तो वह एक चतुर बिजनेसमैन बन जाता है और कभी वह किसी की जान बचाने के लिए पानी की तरह पैसे बहा देता है। कल कार में जो हुआ उसके बाद उसने लुओ वेंजो को अवॉइड नहीं किया। शायद वो किसी ऐसे जगह पर बड़ा हुआ है जहाँ वाइट एकदम वाइट है और ब्लैक बिल्कुल ब्लैक। बाकी दुनिया से वो जगह शायद अलग है। फेदू भी ये बात समझता है कि वो इस दुनिया में फिट नहीं बैठता है, इसलिए उसने एक इंसान का खाल पहन लिया है। वो कभी तावरान की नकल करता है और कभी जांग दोंगलाई की। सिर्फ लुओ वेंजो के सामने ही वो अपनी नकली खाल को उतारता है जिससे उसके खतरनाक नाखून और दांत दिखाई देते हैं। अचानक लुओ वेंजो को फेदू की कल रात का बिहेवियर समझ आ गया। वो और फेदू पर गुस्सा नहीं हो पाया। तावरान के फ़ोन ने उसकी भावनाओं को इंटरप्ट किया। हमें वो टैक्सी मिल गई है, ड्राइवर सीट के पीछे एक फुटप्रिंट को छोड़कर कोई और स्ट्रगल की निशान नहीं है। शायद एक से ज़्यादा लोग थे। जो हुआ है जिनका बैग टैक्सी में ही है, उसमें उसके फ़ोन, आईडी, वॉलेट सब कुछ ठीक ठाक है। तावरान की ब्रीदिंग की आवाज़ से उसके गुस्से का पता चल रहा था। क्या हुआ? कोई फ़ोटो खींच रहा था, शायद वो एयरपोर्ट से हमारा पीछा कर रहा था। फ़ोन रखकर लुओ वेंजो ऑर्डर देने लगा। वो 1.8 मीटर से ज़्यादा लंबा है, कोई उसे ऐसे ही उठाकर लेके नहीं गया होगा। टैक्सी जहाँ पर मिली उसके 3 किलोमीटर रेडियस में सारे सिक्योरिटी कैमरा चेक करो, कोई भी सस्पिशियस व्हीकल देखे तो पता करो, इंटरनेट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से भी मदद लो। कैप्टन लुओ, उस आदमी ने एक और वीडियो अपलोड की है, एक टेक्नीशियन ने कहा। वो वही ब्लैक बैकग्राउंड और अनकॉन्शियस जो हुआ इंजिन था। फ्रेम में ब्लैक ग्लव्स पहना हुआ एक हाथ भी था। उस हाथ में एक नाइफ था जिससे जो हुआ इंजिन के गले में एक कट कर दिया गया। वो हिल उठा तो खून बहने लगा। उस ग्लव्स पहने हुए हाथ ने उसके शर्ट को खोल दिया और फिर एक ब्रश लेकर उस खून से लिखा, एक वीडियो डिलीट करने पर एक कट। जो ऑफिसर वीडियो डिलीट करने वाला था वो रुक गया। क्या करूँ, डिलीट करूँ या नहीं? एक मोमेंट के हेजिटेशन में ही वो वीडियो तेज रफ्तार से रिपोस्टेड हो गया। जो हुआ इस सीन वीडियो देखकर चीख उठा। फेदू ने उसका फ़ोन छीन लिया और हाउसकीपर को उसे ऊपर ले जाने के लिए कहा। तभी गेट के बाहर एक कार आकर रुकी। 28-29 साल के उस आदमी को पुलिस ने अंदर आने से रोक लिया। उस आदमी ने जल्दी से अपनी आईडी दिखाई। मैं जो सर का। जो हुआ इस सीन ने बाहर देखा तो चिल्ला उठा, अरेस्ट करो उसे, वही मर्डरर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? फेदू और हुसैन वो मिलकर भी जो हुआ इस सीन को पकड़कर नहीं रख पा रहे थे। वो अपने हाथ पैर मारे जा रहा था। तभी एक हाथ आकर उसे एक मुर्गी की तरह उठा लेता है, फिर उसे एक बॉल का शेप देकर सोफे में ठूस देता है। ट्रैंक्विलाइजर दूँ या रेबीज के इंजेक्शन? लुओ वेंजो के सामने जो हुआ इसीन को चुप होना ही पड़ा। गेट में खड़े आदमी बिटरली हंसकर बोलता है, मैं जो क्लन कोग्लोमरेट का बोर्ड सेक्रेटरी हूँ।
मेरा नाम यांग बो है। सबकी नज़र उसके ऊपर पड़ी। यांग बो सस्पेक्टेड नाजायज बेटा, सस्पेक्टेड मर्डरर, सस्पेक्टेड बेनिफिशियरी, वो तो बहुत जल्दी आ गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी बताना मत भूलना और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।